आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराने से डायनासोर सहित 95% प्रजातियों का पृथ्वी से पूरा खात्मा हो गया था, लेकिन एक प्रजाति रह गया था और वो है गंदे भद्दे घिनौने कॉकरोच। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच डायनासोर के ज़माने से आज तक जिंदा है और उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी एक ऐसा गैजेट निकला है जिससे आप डायनासोर को पकड़ सकते हैं। सॉरी दोस्तों, आप कॉकरोच को पकड़ सकते हैं। तो वो क्या गैजेट है या प्रोडक्ट है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक काम का चीज लेके। दोस्तों मेरा नाम है भार्गव, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस चीज का। ये है कॉकरोच कैचर। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कॉकरोच के लिए ऐसा लाल हिट काला हिट ऐसा स्प्रे तो आता है, तो इसका यूज क्यों करें? वो इसलिए क्योंकि जो ये स्प्रे होता है ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इससे आप फिजिकली कॉकरोच को पकड़ सकते हैं, तो ये पूरा सेफ है। ये घर में बहुत यूजफुल चीज होने वाला है क्योंकि किचन पे कॉकरोच तो होता ही है और उनको भगाना भी इतना आसान नहीं है और उनको पकड़ना भी आज तक इतना आसान नहीं था, लेकिन अब है। तो इसीलिए आपको ये लेना ही चाहिए। ये एकदम सस्ता है, 200-300 के अंदर आ जाता है, तो इसको लेकर आप कॉकरोच से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको पास से देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये रहा बॉक्स, देखिए इसके ऊपर लिखा है कॉकरोच कैचर और यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कैसे यूज करना है और ऊपर में लिखा है कॉकरोच कैचर। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो इसके अंदर है ये कॉकरोच कैचर और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, यूजर मैनुअल वगैरह कुछ नहीं है। तो ये है एक्चुअल कॉकरोच कैचर, नीचे ऐसा है, एक डब्बा जैसा खुल गया है। इसके अंदर ये है चारा, मतलब कॉकरोच को खाने के लिए ये देना पड़ेगा तभी कॉकरोच अंदर आएंगे। मेरे ख्याल से आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये 3 पैकेट मिला है साथ में, तो पहले इसको ही यूज़ करेंगे। तो ये हो गया, इसके बाद फिर से खुल गया, तो इसका 3 हिस्सा हो जाता है। तो ये है बॉटम पार्ट और इसके ऊपर ये जाएगा और एकदम ऊपर ये ढक्कन। तो जो मेन हिस्सा है ये नीचे वाला है, इसमें ही सब फंक्शंस है, कैसे कॉकरोच को पकड़ते हैं इसमें ही सब कुछ है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाल्व है और ये डोर है, यहाँ से ही कॉकरोच अंदर जाएंगे। तो ये हो गया एक डोर, दूसरा, तीसरा, छोटा, मतलब 5 डोर है यहाँ पे। मतलब यहाँ से कॉकरोच अंदर आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये वाल्व जैसा है। जब कॉकरोच अंदर जाते हैं तो वो अंदर जा सकते हैं क्योंकि वाल्व ऊपर जा रहा है, मतलब डोर ऊपर जा रहा है। जब कॉकरोच अंदर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा, डोर बंद हो जाएगा, मतलब कॉकरोच अंदर जाते ही डोर बंद हो जाता है तो कॉकरोच यहाँ पे फंस जाता है। तो हर डोर ऐसा ही है, वन साइडेड है, अंदर जा सकते हैं बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे ही कॉकरोच को पकड़ते हैं। देखिए ऐसे जाएगा, ये खुलेगा, कॉकरोच अंदर आएगा, ये बंद हो जाएगा, ये खुलेगा बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ से जा नहीं सकता है बाहर। तो चलिए इस पे चारा डालते हैं। जैसे यहाँ पे पैकेट में दिखाया गया है ऐसे कोनों पे चारा को डालना है, तो वैसे ही डालेंगे। तो ये रहा चारा का पैकेट। तो अभी ऊपर का हिस्सा लगा रहा हूँ मैं, ये लगा दिया है। अभी ऊपर में भी देखिए ये एक और एक वाल्व है, मतलब नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जा सकते हैं। तो ऊपर में भी कुछ देना पड़ेगा चारा, तो ऊपर में भी मैं दे रहा हूँ, देखिए। और अभी एकदम ऊपर के ढक्कन को लगाना है ऐसे। तो फंदा एकदम रेडी है, सिर्फ अभी इंतज़ार है शिकार का बाहर आने का, मतलब कॉकरोचों का बाहर आने का इंतज़ार है। तो अभी समय है, रात के 12 बजने वाला है, अभी मैं सोने जाऊँगा और इसे मैं किचन पे रख दूँगा और फिल्माने के लिए मैं यूज़ करूँगा इस वाईफाई कैमरा को। ये एक नाइट विजन वाईफाई कैमरा है, आईपी कैमरा है। इससे मैं क्या करूँगा, रात में कॉकरोच कैसे अंदर जाते हैं उसको फिल्माऊँगा और वो मैं आपको दिखाऊँगा एज ए प्रूफ। तो चलिए इसको रखते हैं किचन पे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने कॉकरोच कैचर को किचन पे रखा है और फिल्माने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कैमरा।
तो ये सेटअप है। तो रात को जब कॉकरोच आएंगे तो ये नाइट विजन मोड में उसको रिकॉर्ड करेगा। और इस कैमरा में मौसम डिटेक्शन है, तो जब कॉकरोच बाहर आएंगे ये ऑटोमेटिक कैमरा रिकॉर्ड करेगा। तो अभी लाइट ऑफ करते हैं और कॉकरोच को बाहर आने देते हैं, और आपसे मिलते हैं सुबह को। तो ये देखिए दोस्तों अंदर में क्या है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने जब लाइट ऑन किया तब देखा मैंने कितना है, शायद 2-3 कॉकरोच है अंदर में। देखिए अभी ये ऊपर का कंपार्टमेंट है और नीचे का कंपार्टमेंट में कितना है पता नहीं। ऊपर में 2 कॉकरोच है और देखते हैं नीचे है कि नहीं। देखिए नीचे भी एक है, मतलब 3 पकड़ा है मैंने। तो आप इसको धो सकते हैं, धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए गर्म पानी से मत धोइए, नहीं तो इसका जो वाल्व है वो बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये वाल्व प्लास्टिक का है, मतलब ये काम का है, मतलब ये कॉकरोच को पकड़ता है, ये चीज़ असल में कॉकरोच को पकड़ सकता है। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को भी ऑन कर लीजिएगा फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।